कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सो आज हम लोग क्लास सिक्स मैथमेटिक्स के इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन की एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आरएस अग्रवाल के टेक्स्ट बुक से है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कतें आती हैं, आपका कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज में लाता रहता हूं मैं। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रॉब्लम को। देखो यहाँ पे जब इस प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को समझोगे तो यहाँ पे इन दो नंबरों के बीच में डिवीजन का साइन यूज हुआ है और यहाँ पे इनके बीच में ऑफ आया है। तो जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो पहले आप डिवीजन वाले सेक्शन को सॉल्व नहीं करिएगा, पहले आप इसको आप सॉल्व करिएगा। तो चलिए इसको पहले ये वाला जो सेक्शन है इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 3/5 ऑफ 5 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आप जो है ना, ये मल्टीप्लीकेशन को इंडिकेट करता है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। अब ये 5 इस 5 को डिवाइड करेगा कितनी बार में? 1 टाइम में। तो यहाँ पे 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो 3 आएगा। तो यहाँ पे जब आप इस सेक्शन को जब सॉल्व करोगे तो इसका जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 3 देते हैं डिवीजन का साइन। अब यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, तो जब मिक्स फ्रैक्शन के रिजल्ट को जब सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 4 करो तो 20 हुआ, और 20 में 4 ऐड कर लो तो 24/5 ये हो जाएगा। क्लियर? नाउ प्लस का साइन, और यहाँ देखो इनके बीच में क्या है? इनटू का साइन है। तो अब आप सोचो कि ये जो 4 और जो 10 है ये किस नंबर के टेबल में आते हैं? तो वो नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे आप 2 के टेबल से जब 4 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 10 को करोगे तो ये 5 टाइम्स में हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो, इसको तो आपने सॉल्व कर लिया, अब 3 के टेबल में 3 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। अगर 5 का टेबल लोगे तो 5 के टेबल में 5 आएगा बट 3 नहीं आएगा। तो अब इस कंडीशन में इसको तो आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हो। तो जो आपको फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लीकेशन जो बताया गया है कि जब भी हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है और इसका न्यूमरेटर 3 है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अपान लगा लीजिए, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? -1/5 है। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में जो साइन जो है वो डिवीजन का है, तो जब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो इस राइट साइड में जो नंबर जो 3 देख रहे हो इसका आपको रेसिप्रोकल लेना होगा, और 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3 होता है प्लस। अब यहाँ पे देखो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इन दो में देखो इसका डिनोमिनेटर 25 और इसका डिनोमिनेटर 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए। तो इसका 25 तो है ही है बस इसका कर देना है। तो 5 के टेबल में जो 25 आता ही है, अब वो कितने टाइम्स में आता है? 5 के टाइम्स में आता है। तो 5 टाइम्स आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ देखो ये है 6 और ये है 5 और इनके बीच में है माइनस का साइन, तो 6-5 का जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, और यहाँ पे आप 25 आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो 3 के टेबल में 24 तो आता ही है और 3 भी आता है, तो यहाँ पे 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा और जबकि 24 8 टाइम्स में आएगा। अब यहाँ पे देखो कहानी क्या हो रही है कि जो न्यूमरेटर 8 है और इसका न्यूमरेटर 1 है, इनका आप मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 8 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 1/25 है। फिर से देख रहे हो कि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, भाई इसका 25 इसका 5 है, तो इसका सेम कर लो। तो 5 के टेबल को कितनी बार पढ़ोगे 25 होगा? तो 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 5 टाइम्स ऊपर कर लो, तो 5 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा? ये रिजल्ट बनेगा 40 का, प्लस 1 कर लो और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 25। क्लियर? तो यहाँ पे 40 प्लस 1 का जो रिजल्ट बना ये 41 हो गया, ये हो गया डिनोमिनेटर 25। अब ये चूंकि ये जो रिजल्ट आप जो देख रहे हो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ें मैं क्लीन कर दे रहा हूँ मैं, और मैं इसको
कन्वर्ट करके भी बताता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप यहाँ पे 41 को किससे डिवाइड करोगे, इसके डिनोमीटर से। तो डिनोमीटर क्या है, 25। तो यहाँ पे अगर हम 1 टाइम्स अगर हम रीड करते हैं तो हमें मिलता है 25। 2 टाइम्स तो रीड करोगे नहीं क्योंकि रिजल्ट 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजल्ट हुआ 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो इसका रिजल्ट जो होगा 1/16/25। तो ये इसका आंसर होगा। अगर आप और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको आप खोल लीजिए, और जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको वॉच करनी है बस आपको उसके लिंक पे क्लिक करना है और आप उन वीडियोस तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, और बड़ों का कहना मानते रहें। जय हिंद, जय भारत।